से वो वर्म इन्फेक्शन में आते हैं, जिसको हम हेल्मेंथियासिस बोलते हैं। तो हेल्मेंथियासिस में जो मोस्ट प्रोमिसिंग ड्रग यूज किया जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग जो यूज किया जाता है, जैसे मेबेंडाज है, और ये भी मेबेंडाज होते हैं। एमएसपी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आते हैं वेरी सिंपल, दैट इज द राइट एंड यूजेस ऑफ द मेबेंडाज। ये दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। अटैच का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द हेल्मेंथियासिस, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेबेंडाज। ड्रग इज मेबेंडाज, जो स्ट्रक्चर नहीं है हमको इसमें लर्न करना, सिंपल प्रॉपर्टीज लर्न करना है। प्रॉपर्टीज स्लाइटली येलो पाउडर है, ऑर्डरलेस, फेसलेस एंड इंसुलिनी मोटर। अगर इंसुलिनी मोटर है तो क्यूर सोलिनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लिख सकते हो, उसको फर्दर अटैच। स्टोरेज क्या है, बहुत सिंपल स्टोरेज है, इट इज स्टेबल, इट इज स्टोरिंग रूम टेम्परेचर बोला है, रूम टेम्परेचर मतलब इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, हेज इज स्टोरिंग वेल क्लोज कर, इतना सा सिंपल यूज है। मेनली हमको जो फोकस करना है दैट इज यूजेस। पहला यूज इसका है कि इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंट। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंट इसको क्यों बोला है, ब्रॉड मतलब जितने भी टाइप्स के एंथेलमेंट हेल्मेंथियासिस है, मतलब जितने भी टाइप के पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या वर्म इन्फेक्शन है, वैसे हमने तीन पढ़े हैं, ठीक है, सिस्टोड्स, निमेटोड्स एंड रिमेटोड्स। ये तीनों इन्फेक्शन अगर होते हैं तो उस कंडीशन में ये मेबेंडाजोल हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक ड्रग बोला। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होता है, तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि विद इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन हमको बोलना है, तो ये क्या है, विग वर्म इन्फेस्टेशन। सिंपली विग वर्म इन्फेस्टेशन को ट्राइचोरियासिस भी बोला जाता है। ट्राइचोरियासिस ये अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आपका आंसर मोर देन 60-70% के हिसाब से जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वैल्यूअर आपके आपको स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा, तो उस टाइम पे अगर आप ये ट्राइचोरियासिस लिखते हो तो वहां पे आपके मास्क की कटिंग नहीं होगी, क्योंकि यूजेस आर वेरी इजी, राउंड वर्म, टेक वर्म, थ्रेड वर्म, रिंग वर्म, हुक वर्म, ये बहुत इजी है, क्या लगाना है, इन्फेस्टेशन ही लगाना है। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव एजेंट के अगर नाम लिखते हो तो उस टाइम पे आपके मास्क में कुछ भी मास्क नहीं कटेंगे, इसलिए ट्राइचोरियासिस हमको लर्न करना है। इतने सारे नहीं लग रहे हैं, दो तीन दिन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज राउंड वर्म इन्फेस्टेशन, ऑलरेडी बताया कि राउंड जैसे वर्म है तो इसे राउंड वर्म इन्फेस्टेशन बोला है। टेप वर्म, टेप की जैसे जो वर्म्स रहेंगे उसको टेप वर्म इन्फेस्टेशन बोला है। थ्रेड वर्म इन्फेस्टेशन, थ्रेड के जैसे, थ्रेड वर्म को स्ट्रॉन्ग ग्लाइकोडियासिस बोला है। टेप वर्म को टेनियासिस, देखो टेप टेनियासिस, राउंड को एस्केरियासिस, एस्केरियासिस ये नाम दिया है। नेक्स्ट इज रिवर ब्लाइंडनेस, प्राइमरी सम ऑफ टाइम के लिए ब्लाइंडनेस आता है, इसको ऑन्कोचोरियासिस बोला जा गया है। नेक्स्ट इज हुक वर्म, हुक के जैसे रहेंगे जो वर्म्स है, इट विल बी अ साइज एंड शेप लाइक अ हुक, उसको यूनिसीरियासिस बोला गया है। नेक्स्ट इज अ फाइलेरिक इन्फेक्शन, फाइलेरिक इन्फेक्शन ऑलरेडी आपको पता है, फाइलेरिया मतलब क्या है, जिसको मराठी में हत्ती रोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, हेल्मेंथियासिस की वजह से, तो फाइलेरिक इन्फेक्शन। कैपिलरी इन्फेक्शन, अब ये कैपिलरी इन्फेक्शन मतलब क्या है, तो आपने केमिस्ट्री के लैब में कैपिलरीज देखी है, तो उसके जैसे जो बैक्टीरिया रहेंगे और पर्टिकुलरली वो जीआई ट्रैक को इन्फेक्ट करेंगे, और सिम्टम्स लाइक वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड स्टूल, तो उस कंडीशन में कैपिलरिया इन्फेक्शन होता है। तो ये कब होता है, पर्टिकुलरली पेडियाट्रिक्स को होते, चिल्ड्रंस को होता है, इसीलिए आफ्टर 6 मंथ उनको ये डोजिंग दिया जाता है। बट उनका सस्पेंशन है या उसकी चुएबल टैबलेट है वो पेडियाट्रिक्स को दी जाती है, क्यों, क्योंकि उनका गैस्ट्रिक फ्लोरा जो है बहुत कमजोर होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे ज्यादा है। तो हमेशा रिपीटेडली अगर स्टमक पेन है, वो अगर खाता नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, उनको मेबेंडाजोल सस्पेंशन देते हैं। तो कैपेरिया इन्फेक्शन पेडियाट्रिक्स में होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देन उसके लिए फॉर्मुलेशन क्या अवेलेबल है, तो फॉर्मुलेशन में मेबेंडाजोल सिंपल IV, इसका सस्पेंशन आता है 10 ml की जिसकी बॉटल आती है, तो वन टाइम उनको डोज लेना पड़ता है, और ये 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ का रहता है, 1 day 1 time डोज लेना, ठीक है। या मेबेंडाजोल की टैबलेट, चुएबल टैबलेट में भी अवेलेबल है, उसका वेरियस फ्लेवर है, तो बच्चे इजिली उसको च्यू कर सकते हैं, वन डे में भी सॉलो, च्यूएबल टैबलेट में भी वो अवेलेबल है, एडल्ट वर्जन इज ऑल्सो टेकन, ठीक है। अगर नहीं वो ले सकते हैं या नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में हम घर पे जो अवेलेबल है कुकिंग, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ब्रांड, कौन से ब्रांड में वो अवेलेबल है, तो सिंपल मेबेक्स में वो अवेलेबल है, वर्मिंग में अवेलेबल है, और वर्मो के लिए ये ब्रांड नेम आपको लर्न करना है। एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू में ब्रांड नेम ऑफ मेबेंडाजोल के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आती है, तो तीनों ब्रांड नेम आपको कंपल्सरी लर्न करना है, क्या है, मेबेक्स, वोमोके एंड बॉबी, ये तीन ब्रांड। नेक्स्ट ड्रग जो देखने वाले हैं दैट इज द डी
क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या ढूंढते हैं, पैरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो क्या पैरेंट लिखा है यहाँ पे, हेटरोसाइक्लिक मॉडल लिख रही है। यस, क्या है हेटरोसाइक्लिक मॉडल, सिक्स मेंबर रिंग हैविंग अ 1-4 नाइट्रोजन एंड द रिंग इज अनसैचुरेटेड। कौन सी रिंग है ये, कौन सी है, पाइप्लाजी है क्या, पाइप्लाजी। नंबरिंग देंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, पाइप्लाजी रिंग। ओके, तो पाइप्लाजी पे क्या क्या अटैचमेंट है, 1 पर अटैचमेंट है और 4 पर अटैचमेंट है। 4 का जो अटैचमेंट है टू डबल क्वाइट इजियर, क्या है, CH2 मतलब मिथाइल। और 1 पे क्या अटैच है, क्या अटैच है वो देखेंगे। सबसे पहले तो केमिकल देखने से कुछ ड्रग के नाम से कुछ आपको क्लू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सिंपल डाइथाइल है तो स्ट्रक्चर में डाइथाइल, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में डाइथाइल है, उसमें कोई क्लू नहीं। स्ट्रक्चर पहले एजिटेजी लर्न करना है, देन विल सिलेक्ट द पैरेंट रिंग एंड देन विल बी योर टू सब्स्टिट्यूशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑन द फर्स्ट नंबर और सब्स्टिट्यूशन ऑन द फोर्थ नंबर। ऑन द फोर्थ नंबर देयर विल बी सिंपली मिथाइल। फर्स्ट पे क्या है, क्या है, तो C डबल बॉन्ड हो गए और नाइट्रोजन के बाद C2H5 एंड C2H5। क्या बोलेंगे इसको, डाइथाइल बोलेंगे, दो बार है इसलिए डाइथाइल अमाइल। अमाइल होंगे बोलते तो C डबल बॉन्ड होगा, क्या बोलेंगे, इट विल बी अगेन क्वेश्चन मार्क। C डबल बॉन्ड बोल दिया, कार्बोनिल ग्रुप जिसको अमाइड है तो कार्बोक्साइड बोल सकते हैं। हमने लिखा है पाइप्राजिन में पायराजिनामाइड के स्ट्रक्चर में लिखा है, एंटी मलेरियल ड्रग जो पायराजिनामाइड हमने लिखा था उसमें कार्बोक्साइड लिखा है हमने, याद करो ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर कवर होगा उसमें, C डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन, ये कार्बोक्साइड उसमें कवर होगा। और फिर उसके ऊपर अटैचमेंट क्या है, डाइथाइल। क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पे है तो फर्स्ट लिख सकते हैं या आइडर में भी एन लिख सकते हैं, तो हम एन लिखेंगे, एन डाइथाइल कार्बोक्साइड कॉमा 4-मिथाइल बराबर। क्यों कॉमा किया मैंने, क्योंकि फर्स्ट का हो गया डाइथाइल कार्बोक्साइड हो गया, कॉमा करेंगे, 4 पे क्या है मिथाइल, 4-मिथाइल लिखा। लास्ट इज द पैरेंट रिंग दैट इज द पाइप्राजिन। ओके, केमिकल नेम इज ओवर। फिर इसकी प्रॉपर्टी स्टोरेज ऑलरेडी हमने लिया है, और अगर आपको यूजेस के नहीं भी याद आ रहे तो आपको सेम एज लाइक का कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे यूजेस लिखना है। इट इज यूज इन दैट इन्फेक्शन ऑफ द हेलमेंटियासिस, देन राउंड वर्म, विथ वर्म, थ्रेड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, ऐसे बस याद क्या बना है, थ्रेड खुदा टेप हुक राउंड फाइलिंग हो गए पांच पूरे मास में। उसके सामने क्या लिखना है, वर्म इन्फेस्टेशन, बहुत इजी। नेक्स्ट ड्रग जो देखने वाले हम पाइप्राजिन। अगेन पाइप्राजिन में कोई भी स्ट्रक्चर में ज्यादा टेंशन नहीं है, पाइप्राजिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ 6H2। ये बहुत कम बार आता है स्ट्रक्चर, लेकिन आपको ड्रग का नाम पता होना चाहिए पाइप्राजिन। प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, ऑफिशियली इट विल बी अवेलेबल इन द साइट्रेट सॉल्ट। साइट्रेट सॉल्ट में वो अवेलेबल होने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, व्हाइट क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, सोल्युबल इन वाटर रहेगा। देन स्टोरेज, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। यूजेस क्या लिखोगे, वही यूजेस लिखना है। एंथेलमेंटिक ड्रग है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो यहाँ पे भी आप सेम मेबेंडाज होल के भी यूजेस कैरी कर सकते हो, दैट इज द राउंड वर्म इन्फेस्टेशन, हुक वर्म, टेप वर्म इन्फेस्टेशन, फाइलेरियल इन्फेक्शन, रिवर ब्लाइंडनेस, ये पूरे यूजेस आप वहां से यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन, तो पाइप्राजिन साइट्रेट एलिक्सर एंड पाइप्राजिन साइट्रेट टैबलेट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा मेबेंडाजोल, DEC दैट इज डाइथाइल कार्बामेसिन एंड पाइप्राजिन। ये हमारा जो एंथेलमेंटिक चैप्टर है ये नियर अबाउट 4-5 मंथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एनएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या आएंगे, तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन रहेंगे, डिफाइन एंथेलमेंटिक। दूसरा क्लासिफिकेशन पे बहुत कम बार क्वेश्चन आई है, इसलिए व्हाट इज हेलमेंटियासिस या टाइप्स ऑफ हेलमेंटियासिस आपको थरोली लर्न करना है। देयर आर द टू टाइप्स, एक निमैट हेलमेंटिस एंड प्लैटी हेलमेंटिस। निमैट हेलमेंटिस को निमैटोड्स बोला गया है, प्लैटी के दो पार्ट है, दैट इज द सिस्टोड एंड ट्रिमैटोड्स, और उसके इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होते हैं वो आपको लर्न करना है। उसके बाद उनको DEC, ये जो ड्रग है वो थरोली लर्न करना है, पूरा स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टी, स्टोरेज, यूजेस एंड फील्ड्स ऑफ ब्रांडिंग। DEC का मैंने स्ट्रक्चर आज फिर से रिपीट किया था, वो एज इट इज लर्न करना है। नेक्स्ट इज आपको मेबेंडाजोल